केंद्र की मोदी सरकार को लगा सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा झटका। ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा की सेवा विस्तार को बताया अवैध। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा को दिया अल्टीमेटम, उन्हें 31 जुलाई तक दफ्तर छोड़ने का दिया है वक्त। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ सालों से लगातार सीबीआई, एनसीबी और ईडी विवादों में रही है और इसी के चलते अब फिर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने के मामले में केंद्र सरकार को करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके सेवा विस्तार को अवैध करार दिया है और उन्हें 31 जुलाई तक दफ्तर छोड़ने का वक्त दिया है। अदालत ने कहा कि उन्हें तीसरा कार्यकाल विस्तार देना अवैध है। हालांकि अदालत ने डीएसपीई और सीवीसी एक्ट में संशोधन को सही करार दिया है, जिसके तहत सरकार सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर को 2 साल के निश्चित कार्यकाल के बाद 3 साल तक का सेवा विस्तार दे सकती है। अदालत ने आदेश दिया है कि संजय कुमार मिश्रा 23 जुलाई तक कामकाज संभाल सकते हैं और तब तक केंद्र सरकार को दूसरी व्यवस्था देखनी होगी। अदालत ने साफ कहा कि संजय कुमार मिश्रा को 31 जुलाई तक का वक्त दफ्तर छोड़ने के लिए दिया जाता है। जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि संजय कुमार मिश्रा को 22 नवंबर के बाद सेवा विस्तार नहीं मिलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के अपने फैसले में कहा था कि संजय मिश्रा को अब एक और सेवा विस्तार नहीं मिलना चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश ना होता तो संजय कुमार मिश्रा का सेवा विस्तार के बाद नवंबर 2023 में कार्यकाल समाप्त होता। केंद्र सरकार ने उन्हें बीते साल नवंबर में ही कार्यकाल विस्तार दिया था। 3 जजों की बेंच ने कहा कि संजय कुमार मिश्रा के पास 31 जुलाई तक का समय है, तब तक वे दफ्तर छोड़ दें और इस बीच केंद्र सरकार उनके स्थान पर किसी और को नियुक्त करे। आदेश पढ़ते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि 2021 में सीवीसी एक्ट और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन गलत नहीं है, लेकिन जब अदालत ने 2021 में ही फैसला दिया था तो फिर उन्हें सेवा विस्तार नहीं देना चाहिए था। संजय कुमार मिश्रा को मिले सेवा विस्तार को कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और टीएमसी की सांसद मोहिया मोइत्रा समेत कई लोगों ने चुनौती दी थी। 1984 बैच के आईआरएस अधिकारी संजय मिश्रा को आर्थिक मामलों का जानकार माना जाता है। मूल रूप से यूपी के रहने वाले मिश्रा ने इनकम टैक्स से जुड़े कई मामलों की जांच की थी, जो हाई प्रोफाइल केस थे। वह दिल्ली में इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर भी रह चुके हैं। दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा को 31 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है और दफ्तर छोड़ देने की बात कही है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।